डिवाइड कर दो। डेप्रिसिएशन के जैसा ही है, बात समझ में आ रही है? ऐसा सोचो कि आपने एक एसेट खरीदा है जो 3 साल का है, 1 साल कितना कम होएगा डेप्रिसिएट होगा 1000 से, 3 - 1 = 2 और 1000 पीएनएल डेबिट, क्या लिख देगा 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रिटर्न। सो इन दिस प्रॉब्लम विल यू प्रेजेंट एडवर्टाइजमेंट लाइक प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट और लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एंड राइट इट ऑफ, राइट क्योंकि इंस्ट्रक्शन में दिया होगा वो। अगर सस्पेंस रिटर्न ऑफ नहीं होता और आपको दिया होता एडवर्टाइजमेंट 3 इयर्स तो फिर प्रीपेड के जैसा, बात समझ आई? बट प्रैक्टिकली एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड जैसा नहीं होता, प्रैक्टिकली कैसा होता है हर बार? बाकी सब चीजें प्रीपेड होती है, प्रीपेड रेंट होता है, प्रीपेड इंटरेस्ट, प्रीपेड कमीशन, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड वेजेस होता है। क्यों ये सब प्रीपेड क्यों यूज कर सकते हैं इनके लिए आप? फिक्स्ड है ना, पीरियड इज फिक्स्ड, अमाउंट इज, एडवर्टाइजमेंट ऐसा, समझा बेटा दिमाग में पक्का? तो यहां पर कैसे दिखाने का है? सस्पेंस, ओके, लाइक दिस 3 - 1 = 2 करके एंड इधर रिटर्न, तो उधर डॉट्स दे दो। और कोई हिडन एडजस्टमेंट? 15% बैंक लोन आपको आता है वर्किंग नोटिस का, करो सब लोग, क्या करना है इस पे याद है आपको क्या करना है 15% बैंक लोन पे? हाँ, तो 3 स्टेप्स क्या है इसके? सीसीसी है ना, कैलकुलेट चेक कंपेयर, कब लिया है लोन आपने 110 को। फर्स्ट स्टेप इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, मुझे बताओ 60,000 पे एट द रेट ऑफ 10% ओ सॉरी एट द रेट ऑफ 15% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स की 12 मंथ्स पक्का? वाई 6 मंथ्स? अक्टूबर में लिया है तो आई थिंक 4,500 आता है, इज दैट राइट? अक्टूबर में लिया है आपने तो 6 महीने के हिसाब से ब्याज कितना चुकाना है आपको? 4,500। इतना ब्याज देना है कि लेना है, समझा कैलकुलेशन? इतना इंटरेस्ट देना है अपने को 6 मंथ्स का। सेकेंड स्टेप चेक, व्हाट डू यू चेक? वेयर विल यू फाइंड इंटरेस्ट पेड? विच साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस वुड यू फाइंड इट? मेरे को चाहिए सब लोग देखो उधर ट्रायल बैलेंस, वांट यू ऑल टू चेक एंड टेल मी विच साइड यू विल चेक ट्रायल बैलेंस? हाँ, द डेबिट साइड, प्लीज चेक ऑल ऑफ यू द डेबिट साइड एंड टेल मी द डेबिट साइड यू चेक एंड टेल मी। मिला? कितना पे किया है? कितना पे करना था? कंपेयर करो अभी थर्ड स्टेप में, 1500 रुपया देना तो क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट विल आंसर दिस पूजन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का दो इफेक्ट, ऐड टू इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी। लायबिलिटी में आप क्या कर सकते हो? बेटर प्रेजेंटेशन, आउटस्टैंडिंग वेजेस उसका ऐड, लोन में ऐड कर, लोन में ऐड, पीएनएल डेबिट में इंटरेस्ट में ऐड कर दो और लायबिलिटी में लोन में ऐड, अलग से भी दिखा सकते हो, बेटर इट इज अगर ऐड करके दिखाओ। अभी डॉट्स देना है सबको फटाफट, प्लांट एंड मशीनरी पे 2 डॉट करना, काहे 2 डॉट बोल रहा हूं? हाँ, एडिशन भी और डेप्री, पहले क्या करना है और फिर डेप्री? आंख बंद करके 12 महीने का ले लोगे? नहीं, ओरिजिनल वाले पे 12 महीना, एडिशन वाले पे 6 महीना, एब्सोल्युटली राइट। प्लांट एंड मशीनरी पे 2 डॉट, फर्नीचर पे 1 डॉट, गुडविल पे 1 डॉट, वेजेस पे 1 डॉट आउटस्टैंडिंग है, वेजेस पे 1 डॉट, एडवर्ट नहीं, कमीशन रिसीव एडवांस, कमीशन पे 1 डॉट, इनकम वाला कमीशन, फिर कैपिटल पे 1 डॉट, गुड्स विड्रॉल, फिर एडवर्टाइजमेंट पे 1 डॉट, डेटर्स पे, व्हाई डेटर्स पे? एडवर्टाइजमेंट 1, डेटर्स 1, लैंड एंड बिल्डिंग पे, लैंड एंड बिल्डिंग का
मॉडल बोला है और क्या है, लोन पे एक और इंटरेस्ट पे, लोन पे एक और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कौन सा, आई रिपीट द डॉट्स चेक, प्लांट एंड मशीनरी पे दो, डेटर्स पे एक, एडवर्टाइजमेंट पे एक, फर्नीचर पे एक, वेजेस पे एक, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पे एक, लैंड एंड बिल्डिंग वन, गुडविल वन, क्रेडिट साइड बैंक लोन वन, कैपिटल वन, कमीशन वन, सॉर्ट इट, स्टार्ट 15 टू 20 मिनट्स, गेट इट, कम ऑन, शुड एड एडिशन, पहले प्लांट 60,000 प्लस एडिशन 20, 80, 60 प्लस 20, 80, देन लेस डेप्रिसिएशन, पहले 60 प्लस 20, टोटल 80, इनर कॉल, सब इनर, प्लांट सुन रहे हो सब लोग, 60 प्लस 20, 80 इनर कॉल, फिर लेस डेप्री, डेप्री करते हो ध्यान रखना, विल यू टेक इट फॉर 12 मंथ्स ऑन बोथ, ओरिजिनल वाले पे कितना 12 मंथ्स, एडिशन वाले पे 6 मंथ्स, ओरिजिनल वाले पे 10% है ना, तो 6,000 आएगा और एडिशनल वाले का 1,000 आएगा, 6 प्लस 1 7, 80 माइनस 7 73, इन द आउटर कॉलम विल हैव 73,000, सॉल्व फास्ट, कम ऑन, ट्राई इट ऑन योर ओन, अभी खुद से आना चाहिए और स्पीड में आना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का नोट बता रहा हूँ, एक और नोट बना दो, वर्किंग नोट टू, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इज 3,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ इज डेप्रिसिएशन 1,000, पी एन एल डेबिट एंड लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये कॉपी कर लो, वर्किंग नोट वन, वर्किंग नोट टू, वर्किंग नोट वन, वर्किंग नोट टू, कॉपी बोथ द नोट्स, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डिड यू गेट द प्रेजेंटेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, अभी एक मिनट है ना सब लोग, पेज 112 देखो, 112 17th एडजस्टमेंट, यस, पेज 112 एडजस्टमेंट नंबर 17, पेज 112 एडजस्टमेंट नंबर 17, दिख रहा है आपको, मिला क्या दिया, देखो इट इज अ ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड द इफेक्ट ऑफ विच विल रिमेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इन सच केसेस दिस एक्सपेंस विल बी ट्रीटेड एज एन एसेट एंड विल बी रिटर्न ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इफेक्ट इज पी एन एल डेबिट एंड एसेट में से लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक्सपेंस, ये रहा, ये दिखा ना मैं, लेस फ्रॉम एसेट एंड पी एन एल डेबिट, दैट्स योर एडवर्टाइजमेंट, व्हेन विल यू डू लाइक दिस, सस्पेंस दिया हो या रिटर्न, तभी करो, स्टार्ट करो, नोट बनाओ इसका, दो वर्किंग नोट्स है, फटाफट करो, थोड़ा स्पीड रखो, बात कम करो, देखो मत आगे पीछे, नहीं समझ में आ रहा तो पूछो मेरे से, खुद से करो, अभी 15 से 20 मिनट में होना चाहिए, पहले पेंसिल से टैली करो, फिर पेन से लिखना, टैली करते रहो,
हाँ ऊपर वाला नहीं आ गया इस वन सस्पेंस. अभी आपने ट्रायल बैलेंस में पीएलडी लिखा हुआ है ना एडवर्टाइजमेंट, उसको कट करके एसेट लिखो. ट्रायल बैलेंस में जो एडवर्टाइजमेंट में पीएलडी लिखा है ना, कट करो और एसेट लिखो. ये सब में वो सस्पेंस है, पीएलएल डेबिट नहीं, सस्पेंस एसेट. प्रेजेंटेशन आपका बोर्ड पे है, किया हुआ है मैंने. हाउ टू प्रेजेंट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस पीएनएल डेबिट में और एसेट में देख लो. लास्ट डेट पर परचेज करू हे मैं टमाटर आई थी डेप्रिशिएट.
machinery out of column you should have 73,000. Correct? नोट्स किया कॉपी? कॉलेज का है इंटरनल का मार्क्स उधर इंटरनल नो मतलब वो सेमेस्टर कर लिया था उसका कॉलेज का मार्क्स नहीं है कल बुककीपिंग टर्म्स टर्म्स एग्जाम या ऑनलाइन काले हैं या स्विस में क्लास में कितने बजे वन अच्छा लगा ना 1 o'clock लेक्चर पे यार बैठे यार वीडियो तो ऑन नहीं रखना ऐसे टाइम पास लिख के जो रिटर्न है क्या एमसी क्यों ना ऑनलाइन भेजो मेरे को डाउट डाउट है तो भेजो थोड़ा दिमाग भी लगाओ ऐसा नहीं कि सीधा खड़ा पूरा ही भेज देते हैं interest fee ना ना
इंटरेस्ट पेड तो 3000 છે જ ને પીએનએલ માં 1500 એમાં એડ 3000 પ્લસ 1500 વિલ બીકમ 4500 એન્ડ લાયબિલિટી માં લોન 60000 પ્લસ 1500 આઉટર કોલમ 61500 પૂરી પૂરી બાકી દિનો ને ખાલી એનઆરડીડી માં ના એનઆરડીડી હે બોલી કે ને બાકી દિન खाली वो खाली टू एनआईडी लिखा तो भी सकता है। देखो ऐसा है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ऐसा है टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना दिया आपको 3 दिया है ना प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है 1500 बराबर है और लायबिलिटी में बैंक लोन प्लस आउटस्टैंडिंग ये सृष्टि व्हाट वाज योर डाउट दिस ओनली सेम 3 ईयर पेड 1500 देना बाकी है टोटल इनकर्ड एक्सपेंस 45 आउटस्टैंडिंग है ना ऐड ऐड टू इंटरेस्ट ऐड टू वेजेस लायबिलिटी ऐड टू सैलरी ऐड टू इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी में अलग से भी दिखा सकते हो या लोन को ऐड भी कर सकते हो लोन को ऐड किया बेटर है क्योंकि लोन का भी पैसा बैंक को चुकाना और इंटरेस्ट का भी पैसा बैंक को एक ही बंदे को चुकाना तो आप ऐड कर दीजिए 4500 है ना।